सुरक्षा बलों की सहायता के लिए 11 सितंबर 1958 को AFSPA यानी कि अफसफा कानून को पास किया गया था। अफसफा सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने और अन्य कार्यवाही करने का अधिकार देता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर अफसफा को लेकर बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम 2023 के अंत तक असम से इस कानून को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों की सेवा लेंगे। वर्तमान में असम के 8 जिलों में अफसफा लागू हुआ है। असम में ये कानून पहली बार नवंबर 1990 में लागू किया गया था। इसके बाद जो भी सरकारें आईं, उन्होंने स्थिति की समीक्षा के बाद इसे हर बार 6 महीने में बढ़ाया है। पिछले साल सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 को असम के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया था। पिछले साल 1 अप्रैल से असम के 9 जिलों और 1 जिले के 1 सब डिवीजन को छोड़कर शेष पूरे असम राज्य से अफसफा के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों को हटा लिया गया था। दरअसल अफसफा कानून को समय समय पर देश के कई राज्यों में लागू किया गया है। इनमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। हालांकि बाद में कई जगहों से अफसफा को पूरी तरह वापस ले लिया गया। बता दें कि अभी अफसफा कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर के कुछ क्षेत्र में लागू है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अफसफा लागू है, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है। अफसफा को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण ताकत मिलती है। इसके तहत सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। साथ ही इसके कानून के चलते कई मामलों में बल प्रयोग का भी प्रावधान है। अफसफा को सिर्फ अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है।